आपका पुनः स्वागत है बच्चों इस कविता पर्वत प्रदेश में पावस के द्वितीय भाग में। तो प्रथम भाग में मैंने सिर्फ वहीं पर इसलिए रोक दिया था कि आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो फिर आपको वाऊ लगेगा, पढ़ने में उतनी रुचि नहीं आएगी, इसलिए छोटे छोटे खंड में मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने रखा है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई दुरूहपन की स्थिति उत्पन्न न हो। तो अब हम लोगों ने पर्वत प्रदेश में पावस के दो अन्विति कर लिए थे और दो अन्विति बाकी हैं। दो अन्विति में हमने तीन प्रकार के दृश्य परिवर्तन देखा। पहला दृश्य परिवर्तन क्या देखा, जो पर्वतीय क्षेत्र में बारिश हो रही है और वह नीचे जो जल फैला हुआ है वह किस प्रकार दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल आईने की तरह दिखाई पड़ रहा है और जिसमें पर्वत अपना परछाई देखते हुए पर्वत अपना प्रतिबिंब देखते हुए दिखाई पड़ रहा है। द्वितीय जो दृश्य है उसमें झरने को गिरता हुआ दिखाया गया है और ऐसा लग रहा है मानो वह झरना क्या कर रहा हो, पर्वत की महानता के गीत गा रहे हैं। उसी द्वितीय अन्वेति में ही दो भागों में वर्णन है, दो प्रकार के दृश्य परिवर्तित हो रहे हैं। और अलग उससे दृश्य क्या है, जो पर्वत के बीच से जो बड़े बड़े साल के या अन्य जो पर्वतीय वृक्ष होते हैं वह काफ़ी लंबे होते हैं, उन वृक्षों को लगातार ऊँचे उठते हुए देखकर, बड़े बड़े आकार को देखकर कवि ने वर्णन किया है, जो ये वृक्ष जो हों वह उच्चाकांक्षाओं से भरे हुए हों। कैसी उच्चाकांक्षा पाले हों, तो उस आकाश को छू लेने की उच्चाकांक्षा अपने अंदर पाल रखे हों, और केवल उच्चाकांक्षा न पाले हों बल्कि अपनी उस ऊंची आकांक्षा को पूरा करने के लिए वे वृक्ष जो हैं वह अपनी दृढ़ता का भी परिचय दे रहे हैं, वे सजग भी हैं और न केवल दृढ़ता का परिचय दे रहे हैं, सजग हैं, बल्कि अनिमेष होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इतना सब कुछ प्रथम भाग में कर लेने के पश्चात अब हम लोग द्वितीय भाग में चल रहे हैं। और द्वितीय भाग में किस प्रकार का दृश्य है, जो अचानक मूसलाधार बारिश का दृश्य है। पर्वतीय क्षेत्र में जब आप घूमने चलेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा जो कब वहाँ धूप खिल गया और कब मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अगर किसी दूर दराज के क्षेत्र में हैं तो आपको वहाँ पर छिपने का भी जगह बहुत मुश्किल से मिलेगा, जब तक अपने वास तक आप दौड़कर आइएगा तब तक इतनी तेज मूसलाधार बारिश होती है, अचानक से बारिश शुरू हो जाती है जो आप भींग जाइएगा। और वहाँ जो बारिश होती है वह हमारे मैदानी क्षेत्रों की बारिश से काफ़ी अलग किस्म की बारिश होती है। वहाँ की बारिश की जो बूंदें होती है वो बड़ी बड़ी बूंदें होती है, बड़ी तेज मूसलाधार बारिश होती है। तो उसी का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है, जो उड़ गया अचानक लो भूधर। और जब पर्वतीय क्षेत्र में बारिश होती है तो इतनी घटाटोप, उसके लिए हिंदी में शब्द आता है घटाटोप, घटाटोप बारिश होती है, इतनी मूसलाधार बारिश होती है, जोरदार बारिश होती है, जो वहाँ पर दृश्य शून्यता, उसके लिए शब्द आता है दृश्य शून्यता की स्थिति, कि उस तेज बारिश के कारण दृश्य शून्यता की स्थिति, इंग्लिश में से कहते हैं इनविजिबिलिटी। तो वहाँ पर विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं रहती, इनविजिबिलिटी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, हिंदी में उसे हम दृश्य शून्यता की स्थिति कहते हैं। तो इस दृश्य शून्यता की स्थिति जब अचानक हो जाती है तो कैसा लगता है, जो उड़ गया अचानक लो भूधर, भूधर मीन्स होता है पर्वत, फड़का मिस फड़का कर, अपार मिस विशाल, वारिद, वारिद मिस होता बादल, पर मिस पंख, रव, रव मिस होता आवाज, शेष मिस बाकी, निर्जर तो आप जानते ही हैं झरना, टूट पड़ा मीन्स आक्रमण कर देना, भू मीन्स धरती, अंबर मीन्स आकाश,
पर्वतीय क्षेत्र में जो अचानक मूसलाधार बारिश शुरू होती है तो वहाँ पर दृश्य शून्यता, बारिश की जो वहाँ पर वेलोसिटी होती है वो इतनी तेज होती है, इतनी मूसलाधार बारिश होती है कि दृश्य शून्यता की स्थिति आ जाती है और ऐसे में कुछ भी वहाँ दिखाई नहीं देता। तो ऐसी दृश्य शून्यता की स्थिति में सिर्फ वहाँ झरने की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। और उस दृश्य शून्यता की स्थिति को लेकर कवि ने कल्पना क्या की है कि मानो वहाँ जो बादल होते हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र काफ़ी ऊंचा होता है तो बादल बिल्कुल पर्वत से सटकर जाते हुए दिखाई पड़ता है, तो बादल चूँकि गतिमान होता है तो कैसा मालूम पड़ता है, पक्षी के पंख की तरह मालूम पड़ता है। तो कवि ने उन बादलों की तुलना पर्वत के पंखों के रूप में किया है, क्योंकि पर्वत विशाल है तो उसके पंख भी कैसे चाहिए, बादल की तरह विशाल चाहिए, गतिमान चाहिए। तो इस दृश्य शून्यता की स्थिति को देखकर कवि ने कल्पना की है मानो वे पर्वत जो हों वह बादल रूपी विशाल पंख लगाकर वहां से उड़ गया हो। और वहां पर पर्वत की होने की सूचना हमें सिर्फ किससे मिलती है, रब शेष रह गए हैं निर्जर, सिर्फ वहां झरने की आवाज सुनाई पड़ती है जिससे हमें पता चलता है कि यहां पर पर्वत मौजूद हैं। है टूट पड़ा भू पर अंबर, और इस झमाझम बारिश को देखकर ऐसा लगता है मानो अंबर ने, आकाश ने धरती पर आक्रमण कर दिया हो, उसे डुबोने का निश्चय कर लिया हो। तो यहाँ पर झमाझम बारिश के मूसलाधार पर्वतीय क्षेत्र में मूसलाधार, जिसे मैंने दूसरा नाम क्या दिया, घटाटोप, घटाटोप बारिश के दृश्य का वर्णन है कि वहाँ बारिश की जो तीव्रता होती है वह कितनी अधिक होती है और उस तीव्रता के कारण किस प्रकार का दृश्य वहाँ पर परिवर्तित होता है, किस प्रकार का दृश्य उत्पन्न होता है। अब हम लोग अंतिम पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। धस गए धरा में सभय साथ, सभय में भय के साथ, भय के साथ, असाल में वृक्ष, साल वृक्ष का नाम आप लोग सुने ही हैं, उठ रहा धुआं जल गया ताल, इसमें आपका अतिशयोक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति, इंग्लिश में से एग्जाजरेशन या हाइपरबोली कहते हैं। एग्जाजरेशन या हाइपरबोली इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश से तो आपको मान लीजिए हिंदी में कुछ लेना नहीं है, लेकिन हिंदी में उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो धस गए धरा में सभय साल, इस जब देखते होंगे पर्वतीय क्षेत्र में काफ़ी मूसलाधार बारिश होती है तो वहाँ जो वृक्ष निकलते हैं उसके जड़ जो होता है उसके चारों ओर से मिट्टी खुरेदा चला जाता है, तो ऐसे में जब मिट्टी वहाँ से हट जाती है तो वह वृक्ष नीचे की ओर, पर्वत से नीचे, बारिश की तीव्रता के कारण बारिश हुआ पर्वत से नीचे गिर जाता है और धरती पर आकर पर्वतीय क्षेत्र से, पर्वत के ऊपर से आने वाले मलबे से, मिट्टी से वह नीचे ढक जाता है। इस दृश्य को देखकर कवि ने कल्पना की है मानो बारिश की उस तीव्रता से, घटाटोप बारिश से, मूसलाधार बारिश से बड़े बड़े जो साल के वृक्ष हैं वो वृक्ष भी डर गए हैं और डरने के कारण वह क्या किया है, धस गए धरा में, भय के कारण वह धरा के अंदर आकर छुप गए। छुपने शब्द को क्यों बताया गया है, क्योंकि जब बड़े बड़े पेड़ ऊपर से आकर नीचे गिरते हैं तो बारिश के कारण वहाँ पर पर्वतीय पर्वत के ऊपर से ढेर सारा मलबा भी आता है और वह वृक्ष को नीचे दबा देता है, ऊपर से मलबा चारों ओर बिखर जाता है, कहीं वृक्ष का पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए कवि ने प्रयोग किया है धस गए, अर्थात डर के कारण वह पृथ्वी के अंदर जाकर छुप गया हो। उठ रहा धुआं जल गया था, और पर्वतीय क्षेत्र में बादल इतनी करीब से गुजरता है, बादल क्या होता है, धुआं का एक आवरण होता है, तो बादल इतने करीब से गुजरता है, नीचे ताल के बिल्कुल पास से गुजरता है जिससे ऐसा मालूम पड़ता है मानो उस ताल से ही धुआं उठ रहा हो। तो वह धुआं कभी कब उठता है, जब नीचे आग लगा हो,
तो क्या किसी भी ताल में आग लग सकता है? क्या नहीं लग सकता है, पानी में आग नहीं लग सकता। लेकिन यहाँ कवि ने किस रूप में यहाँ पर वर्णन किया है? जो जल गया ताल, अर्थात तालाब में आग लग गया है और तालाब जल गया है। तो जैसा संभव न हो ऐसा अगर वर्णन किया जाता है तो वहीं पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, जैसा यहाँ पर कवि ने ताल को जलते हुए दिखाया है। और वो वर्णन इसलिए किया है क्योंकि वहाँ बादल ताल के करीब से गुजरता है, जिसको देखकर ऐसा मालूम पड़ता है मानो ताल ही जल रहा हो और इसीलिए वहां पर धुआं उठ रहा हो। यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजा। इन सारे परिवर्तनों को देखकर, जितने भी परिवर्तन का मैंने वर्णन किया है, जितने भी परिवर्तन का वर्णन इस कविता में किया गया है, जितने भी परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, जिस प्रकार प्रकृति बार बार अपने दृश्यों को परिवर्तित कर रही है, इन दृश्यों के परिवर्तन को देखकर क्या मालूम पड़ रहा है? यूं जलदयान, जलदयान मीन्स जलद मीन्स अभी आप लोगों को क्या बताया था, बादल। तो जलदयान मीन्स बादल रूपी यान, यान मीन्स गाड़ी। तो इन सारे पर्वतीय क्षेत्र में बारिश के ऋतु में पल पल परिवर्तित होते इन सारे दृश्यों को देखकर ऐसा लगता है कि यह कोई साधारण दृश्य परिवर्तन नहीं है, बल्कि बारिश के देव, जैसा कि हम लोगों के शास्त्रों में माना जाता है कि बारिश के देव कौन है, इंद्रदेव हैं। तो बारिश के देव इंद्रदेव, और उनका यान क्या है, तो बादल रूपी यान। बादल रूपी यान में विचर विचर में घूम घूम कर वे घूम घूम कर क्या कर रहे हैं, इंद्र खेलता इंद्रजाल, इंद्रजाल में इस माया रूपी जाल। तो यह कुछ नहीं है बल्कि इंद्र का एक माया रूपी जाल है। अपनी माया से वह क्या किए हैं, बादल रूपी यान में बैठ गए हैं और वे अपनी माया से क्या कर रहे हैं, इस प्रकार के दृश्य परिवर्तन कर रहे हैं, वो अपनी माया रूपी जाल को फैला रहे हैं। तो इस प्रकार पर प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने दो खंड में करके इस कविता को समझाया। इस सुमित्रानंदन पंत जी के पर्वत प्रदेश में पावस जो एक प्रकृति के मनोरम की कविता है, जिसमें प्रकृति के मनोरम दृश्य का वर्णन हुआ है, पर्वतीय क्षेत्र में प्रकृति के पल पर परिवर्तित दृश्य का वर्णन किया है, उन्हें दो भागों में रखकर समझाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कवि या कविता आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसका अर्थ आप आसानी से समझ गए होंगे। और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो उसके लिए आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ही, आपके कॉन्टेक्ट नंबर सारे टीचर्स के आपके पास है ही, आप उनसे सीधा संवाद भी कर सकते हैं जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं समापन करता हूँ। धन्यवाद।